साहित्य और विचारधारा इस मॉड्यूल को पढ़ने के उपरांत आप साहित्य और विचारधारा के आपसी संबंध को समझ पाएंगे, विचारधारा के संबंध में ग्राम्सी के मत को जान पाएंगे तथा गोल्डमैन की दृष्टि में विचारधारा क्या है इसे जान पाएंगे। हिंदी में मुक्तिबोध ने विचारधारा के प्रश्न पर गंभीर विचार किया है, तो उनके विचारों को आप इस संदर्भ में परिचित उससे परिचित हो पाएंगे। साहित्य और विचारधारा के का जो रिश्ता है, इसके प्रारंभिक सूत्र अर्थशास्त्रियों, दार्शनिकों और दूसरे समाज वैज्ञानिकों ने में मिलते हैं। उन्होंने विचारधारा के स्वरूप के बारे में बड़ी गंभीर बहसें की और उससे विचारधारा का स्वरूप थोड़ा बहुत हमारे सामने स्पष्ट हुआ। उसके बाद में आगे चल कर के इस बहस में हमारे साहित्य चिंतक भी शामिल हुए और साहित्य चिंतकों ने इस विचारधारा के बारे में और साहित्य में विचारधारा की उपस्थिति के बारे में कई नई बातें सामने रखी और उनसे हम साहित्य से उनके रिश्ते की गंभीरता और बारीकियों को ज़्यादा अच्छी तरह से हम समझ पा सकेंगे। इन विचारकों में से कुछ विचारकों ने साहित्य के संबंध में विचारधारा की प्रासंगिकता का भी प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा कि साहित्य में विचारधारा का जो सवाल है वो उतना जरूरी सवाल नहीं है, इसलिए हमें इस विचारधारा वाले प्रश्न को छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन दूसरे विचारकों ने अपने ढंग से इसमें बातें कही। एक बात और इस संदर्भ में जाननी चाहिए कि जैसा रेमंड विलियम्स ने कहा कि विचारधारा का जो संबंध है सिर्फ मार्क्स से संबंध नहीं है, ये मार्क्स से बहुत पहले से विचारधारा का सवाल सामने आया और इसमें मार्क्सवादी विचारक भी इसमें शामिल हुए और इनके अलावा संरचनावादी उत्तर आधुनिकतावादी इन जो विचारक थे उन्होंने भी विचारधारा के सवाल पर गंभीर विचार किए और हमारे सामने कई नई धारणाएं सामने रखी। इन विचार क्षेत्रों में अभी भी विचारधारा के स्वरूप और कार्य संबंधी बहस चल रही है। इन विचारकों में ग्राम्सी, गोल्डमैन, अल्थुसर, टेरी एगल्टन, रेमंड विलियम्स, डेनियल बेल आदि अनेक विचारक हैं और इनके विचारों को जान करके ही हम साहित्य और विचारधारा के आपसी रिश्तों की बारीकियों को समझ पाएंगे। सबसे पहले हम ग्राम्सी के विचारों से अवगत होने का प्रयास करते हैं। ग्राम्सी ने कहा कि विचारधारा विचारों की व्यवस्था है जो कला, आर्थिक गतिविधि, सभी वैयक्तिक सामूहिक जिंदगी में अभिव्यक्त होती है। इसके साथ ही वे निश्चित दिशा देने वाली शक्ति भी है। उनके अनुसार विचारधारा के चार स्तर होते हैं, दर्शन, धर्म, सहज ज्ञान और लोक श्रुति। विचारधारा इन चारों रूपों में अभिव्यक्त होती है और यदि ये सब विचारधारा है तो साहित्य इससे कैसे पृथक रह सकता है, साहित्य भी इसका ही हिस्सा है। ग्राम्सी ने विचारधारा के प्रश्न पर इसकी कार्यप्रणाली और शक्ति को रेखांकित करते हुए प्रभुत्व की धारणा हमारे सामने रखी। उनका कहना यह है कि राजसत्ता बल से शासन करती है, सैनिक सत्ता से शासन करती है, पुलिस उनके पास होती है, न्याय व्यवस्था होती है, इनके माध्यम से शासन करती है। लेकिन इनके अलावा भी उनके पास शासन करने का साधन होता है और वो ये चाहती है कि ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम बल से शासन करते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से सहज रूप से ही हमारी बात मान ले और हमें बल का प्रयोग ना करना पड़े, इसके लिए वो बहुत प्रयास करती है। और ये जो प्रयास है ये विचारधारा के द्वारा होता है ताकि समाज में शासक वर्ग की हिगेमनी, शासक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो सके। तो शासक वर्ग के प्रभुत्व को स्थापित करने में साहित्य की भी बड़ी भारी भूमिका होती है। उदाहरण अगर आप मध्यकाल का दें तो मध्यकाल में निर्गुण मत और योग का बड़ा प्रचलन था। इस निर्गुण मत का खंडन करने के लिए सूरदास ने भ्रमर गीत प्रकरण की रचना की और भ्रमर गीत प्रकरण के माध्यम से ये स्थापित हो गया। उसके बाद में तुलसीदास ने इसी रामचरितमानस के माध्यम से वर्णाश्रम व्यवस्था की श्रेष्ठता को स्थापित कर दिया और सभी लोगों ने लगभग इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। ये जो स्वीकृति है ये इस विचारधारा से आई है। ये सहज रूप से जो स्वीकृत होकर के किसी चीज को मनवा लेना है,
इसके लिए बाकी चीज़ों के साथ साहित्य की चूंकि भूमिका होती है, और आप देखते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में प्रेमचंद और दूसरे लेखकों ने अंग्रेजों के विरोध का ये जो वातावरण है वो कितने सहज रूप से बना दिया था। लोग अपने आप से ही सहमत हो गए थे कि अंग्रेज सरकार भारत के हित में नहीं है, सिर्फ राजनीति के माध्यम से, राजनीतिक आंदोलनों के और प्रवृत्तियों के माध्यम से ही हम इस बात को नहीं समझा सकते थे। इसलिए साहित्य आगे बढ़ा, और इसलिए साहित्य की इस भूमिका को लेकर के भी हमें आगे विचार करना चाहिए। और ये ग्राम्सी ने हमारे सामने रखा। ग्राम्सी के बाद में नए ढंग के विचार व्यक्त करने वाले विचारकों में लूसी गोल्डमैन का नाम आता है, और लूसी गोल्डमैन के सिद्धांत को जैविक संरचनावाद नाम दिया जाता है। ये संरचनावादी आचार्य थे, और बाद में उन्होंने संरचनावाद और मार्क्सवाद को मिला करके एक जैविक संरचनावाद, उत्पत्ति मूलक संरचनावाद जिसको कहना चाहिए, उस उत्पत्ति मूलक संरचनावाद की एक सिद्धांत की स्थापना की, और जो साहित्य के पर भी लागू होता है। गोल्डमैन का मत है कि प्रत्येक मानवीय क्रिया को, जिसके भीतर साहित्य भी आता है, संरचना के भीतर समझना चाहिए। मनुष्य अपनी क्रिया से संरचना का निर्माण करता है। यह संरचना पिछली संरचना के विघटन से निर्मित होती है। अतः पुरानी संरचनाओं का विघटन और नई संरचना की उत्पत्ति सतत मानवीय क्रिया व्यापार है। इन संरचनाओं का निश्चित ऐतिहासिक संदर्भ होता है तथा इनका चरित्र वर्गीय होता है। उनका मत है कि इन संरचनाओं का अध्ययन इनकी उत्पत्ति से करना चाहिए, और इसी कारण इनका सिद्धांत उत्पत्ति मूलक संरचनावाद कहलाता है। अब लेखक की कृति एक छोटी संरचना है, और वो एक बृहत्तर संरचना का एक हिस्सा होती है। अब ये बृहत्तर संरचना क्या है, उसे भी हमें देखने की जरूरत है। इसलिए किसी कृति को सिर्फ लेखक के संदर्भ में नहीं जाना जा सकता। कई बार विरोधी विचारों के जो लेखक होते हैं उनके भीतर भी एक संरचनात्मक एकता होती है, और इसलिए इस संरचना को व्यापक स्तर पर देखने की वकालत उन्होंने की। और सिर्फ पाठ का विश्लेषण करके आप संरचना का विश्लेषण नहीं कर सकते। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ग की अपनी विचारधारा होती है। वर्ग विशेष की विचारधारा किसी एक ही लेखक की रचनाओं में पूरी तरह अभ्यक्त नहीं हो पाती। अलग अलग रचनाकार उस वर्गीय विचारधारा को आंशिक रूप में ही अभ्यक्त कर पाते हैं। अब उदाहरण के लिए मध्य वर्ग है। मध्य वर्ग की विचारधारा सिर्फ प्रेमचंद में अभ्यक्त नहीं होती, प्रसाद में भी अभ्यक्त होती। अब प्रसाद और प्रेमचंद तो एक दूसरे के विरोधी या एक दूसरे से भिन्न प्रकृति के लेखक हैं, फिर भी इनके अंदर गोल्डमैन के अनुसार संरचनात्मक एकता है, और इनके अंदर भी उस वर्ग की विचारधारा अभ्यक्त होती है। एक लेखक उस संपूर्ण वर्ग की विचारधारा को अभ्यक्त कर ही नहीं सकता। विचारधारा का बहुत सारा हिस्सा अभ्यक्त होने से बचा भी रह सकता है, इसलिए वो सारी कृतियों को इस विशाल परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। साहित्य इसको जो कलात्मक रूप में विचारधारा को प्रस्तुत करता है, और दार्शनिक कृतियां जो है वो तार्किक रूप में प्रस्तुत करती हैं। इसके साथ ही गोल्डमैन ने कहा कि किसी वर्ग की वास्तविक चेतना और संभावित चेतना में अंतर भी हो सकता है। वास्तविक चेतना अपने खास समय के अंदर जो लेखक के या उस समय के वर्ग में अभ्यक्त होती है उसको कहते हैं, और संभावित चेतना उसे कहते हैं जो ये हो सकता है, सोच सकता है, इस वर्ग का ये फायदा हो सकता है या इनके विचार हो सकते हैं। इस संभावित चेतना की अभिव्यक्ति रचनाकार कर सकता है, लेखक कर सकता है। संभव है कि ये संभावित चेतना की अभिव्यक्ति उस युग के साहित्य में न हो पाती हो, या उस युग के समाज में न हो पाती हो, लेखक उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। इसलिए हमें वास्तविक चेतना और संभावित चेतना के अंदर अंतर को स्पष्ट करना चाहिए। अब इसको इस रूप में भी देखें कि अलग अलग लेखकों की जो व्यक्तिगत चेतना है उन सब को जोड़ घटा करके किसी वर्ग की सामूहिक चेतना का निर्धारण नहीं किया जा सकता। गोल्डमैन का कहना यह कि कभी भी उस वर्ग की विचारधारा अपनी संपूर्णता में अभ्यक्त हो ही नहीं पाती, कुछ हिस्सा छूट जाता है। लेकिन कई बार एक लेखक बहुत सुगठित रूप में उस विचारधारा को अभ्यक्त करता है, कुछ लेखकों के की रचनाओं में वो विचारधारा बहुत ढीले ढाले ढंग से भी अभ्यक्त होती है। लेकिन सबको जोड़ घटा करके एक संभावित चेतना का आप निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए
गोल्डमैन का मत है कि साहित्य केवल लेखकों से पैदा नहीं होता, वे परा व्यक्ति मानसिक संरचना से पैदा होता है। अर्थात साहित्य किसी समूह के साझे मूल्यों, विचारों और इच्छाओं की संरचना से जन्म लेता है। गोल्डमैन विचारधारा और विश्व दृष्टि में भेद करते हैं, कभी कभी वे इन दोनों का समान अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार विचारधारा आंशिक और अमूर्त होती है और विश्व दृष्टि अपने में पूर्ण होती है। इसी तरह वो कई बार कहते हैं कि विचारधारा पतनशील वर्ग की होती है, जबकि विश्व दृष्टि उभरते हुए वर्ग की होती है। समग्रता में उनका मत है कि किसी भी वर्ग की विश्व दृष्टि अंततः उसकी वर्ग चेतना होती है, जो विभिन्न व्यक्तियों की कृतियों में अभिव्यक्त होती है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों में किसी वर्ग की संभावित चेतना सबसे सशक्त रूप में अभिव्यक्त होती है। टेरी एगल्टन ने गोल्डमैन के विचारों को सार संक्षेप करते हुए लिखा है कि कृति में सामाजिक वर्गों की विश्व दृष्टि जितनी संपूर्णता में अभिव्यक्त होती है, एक कला के रूप में उतना ही अधिक उसका महत्व और वैधता होती है। महान लेखक विलक्षण प्रतिभाशाली होते हैं और उनकी विलक्षण प्रतिभा में संभावित चेतना अधिक सक्रिय रूप में अभिव्यक्त हो पाती है और हमें उसे इसी रूप में देखने की जरूरत है। दरअसल गोल्डमैन किसी एक लेखक के विचारों तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो किसी रचनाकार की आलोचना करते समय उनके जो साझा मूल्य हैं, जो सामूहिक मूल्य, जो सारा वर्ग जिनको मानता है, उनको महत्व देते हैं। और इसके कारण उन्होंने इतिहास में इसकी व्याख्या की और इसी तरह से एक हिडन गॉड, जो उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें उन्होंने रेसिन के नाटकों का विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उन्होंने ये बताया कि रेसिन के नाटकों में ईश्वर, मनुष्य और जीवन के बारे में अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, और जिसमें से ये एक ऐसे वर्ग की विचारधारा है जो इस मूल्यहीन संसार में कहीं खो गए हैं। ईश्वर की अनुपस्थिति में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह का जीवन जिए, क्या क्या हमारा जीवन होना चाहिए। तो ये जो रेशन के नाटकों में ये जो मूल्यहीनता का जो वर्णन है, ये मूल्यहीनता एक विशेष प्रकार की संरचना उत्पन्न करती है और उसके माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। ये एक ऐसे वर्ग की विचारधारा है जो राजशाही से या राज दरबार से जुड़ा हुआ वर्ग है और उनकी जीविका उन्हीं के भरोसे चलती है, लेकिन स्वयं राजशाही उनके प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं रखती। वहाँ उन्हें लगातार उत्पीड़ित किया जाता, अपमानित किया जाता, पीड़ित रहते हैं, लेकिन दूसरी जगह उनका कोई भविष्य नहीं। एक ऐसा वर्ग जिस तरह से अनिश्चय के वातावरण में रहता है, उसकी अभिव्यक्ति रेसिन के नाटकों में होती है और हिडन गॉड के माध्यम से गोल्डमैन ने उस वर्ग की मानसिकता की अभिव्यक्ति का विश्लेषण किया। तो वो कहते हैं कि किस तरह से एक वर्ग पीछे रहता है रचनाकार के, और उसके माध्यम से हम उसकी रचना को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। गोल्डमैन ने साहित्यिक कृति, विश्व दृष्टि और इतिहास के संरचनात्मक संबंधों को समझने का प्रयास किया। वे ये दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार किसी सामाजिक समूह या वर्ग की ऐतिहासिक स्थिति कृति की संरचना में विश्व दृष्टि के हस्तक्षेप के चलते समाहित हो जाती है। ये जानने के लिए केवल कृति से शुरू कर इतिहास की ओर जाना या इतिहास से शुरू कर कृति की ओर आना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कृति, इतिहास और विश्व दृष्टि के बीच मौजूद और उनके बीच न दिखने वाले संबंधों को नए सिरे से कायम करने वाली द्वंद्वात्मक आलोचना पद्धति आवश्यक है। जो रिश्ता दिखाई नहीं देता है, वो रिश्ता महत्वपूर्ण है, और इस तरह से जो यात्रा है, वो इनकी आलोचना की यात्रा गहरे स्तर पर द्वंद्वात्मक रूप में हमारे सामने आती है। गोल्डमैन के बाद अल्थुसर एक बड़े दार्शनिक का नाम है और उन्होंने विचारधारा के बारे में कुछ और बातें कही। उनका कहना यह है कि विचारधारा मिथ्या चेतना नहीं होती, जैसा पूर्व मार्क्सवादियों का कहना था, बल्कि उनका कहना है कि वास्तविक सत्ता होती है, और ये जो वास्तविक सत्ता है, ये चश्मा, किताब या पत्थर की तरह मूर्त तो नहीं होती, लेकिन ये मानवीय व्यवहार में अभिव्यक्त होती है। इसका उन्होंने उदाहरण दिया कि हम ये देख सकते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में किस तरह विचारधारा सक्रिय होती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ईश्वर में और नैतिकता में विश्वास करता है, ये उसकी विचारधारा।
अब वो व्यक्ति जो ये विश्वास करता है, वो मंदिर जाता है, पाप करने से डरता है और धार्मिक पूजा अनुष्ठान के साथ में आराम से नीति और अनीति पर विचार करता है। अगर कोई गलत बात करता है, कहीं पाप देखता है, तो वो उसका विरोध करता है। तो ये उसकी विचारधारा उसके कर्मों में अभ्यक्त होती है। इसी तरह से जो व्यक्ति कानून में विश्वास करता है, तो जहाँ पर भी न्याय का पालन नहीं होता, वहाँ पर वो विरोध करता है, आंदोलन करता है, झगड़ा करता है और स्वयं नियम और कानून का पालन करने की कोशिश करता है। वो पाप नहीं करता, नियम विरुद्ध काम नहीं करता। ये उसका ये जो व्यवहार है, ये वास्तविक है, ये उसकी मिथ्या चेतना नहीं है। हम प्रत्येक मनुष्य के दैनिक व्यवहार में उसकी विचारधारा को घटित होते हुए देख सकते हैं। वो हमको दिखाई देती है कि ऐसा आदमी है, इसलिए ये ऐसा ऐसा कार्य कर रहा। उनके बीच में कार्य कारण का रिश्ता, इसलिए वो कहते हैं कि बिना विचारधारा के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। अल्थुसर कहते हैं, अगर आपको काम करना है तो आपके लिए विचारधारा जरूरी है, अन्यथा आप कोई काम नहीं करोगे। स्पष्टतः विचारधारा के बिना साहित्य सृजन भी संभव नहीं है। यह विचारधारा का संबंध साहित्य के सृजन और फिर आस्वादन से जुड़ जाता। विचारधारा के राजनीतिक उपयोग पर चर्चा करते हुए अल्थुसर ने सवाल किया कि शासकों की जन विरोधी नीतियाँ और कानून आखिर जनता स्वीकार क्यों कर लेती, विद्रोह क्यों नहीं करती। इस प्रसंग में वे ग्रामसी के विचारों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि शासकों के पास दमनात्मक और वैचारिक दो तरह के उपकरण होते हैं। शासन चलाने के लिए राज्य के पास पुलिस, सेना, कानून, अदालत और कई दमनात्मक तरीके होते हैं। इसके सहारे राज्य लोगों को दबा देता। दूसरी तरह के उपकरण वैचारिक होते हैं, जिनमें शिक्षा व्यवस्था, व्यापारिक संगठन, परिवार, धर्म, मीडिया, फिल्म, समाचार पत्र, साहित्य शामिल है। इन वैचारिक उपकरणों के कारण लोग सहज रूप से राज्य की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात साहित्य राज्य का वैचारिक उपकरण होता है। ये इस अर्थ में उन्होंने साहित्य की भूमिका का प्रश्न उठा। कला को केवल विचारधारा तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि विचारधारा विशिष्ट किस्म का संबंध होता है। साहित्य की भांति विचारधारा भी इस दुनिया की काल्पनिक छवि गढ़ती है जिसमें मनुष्य रहता है, लेकिन मनुष्य की विशेष परिस्थितियों का सैद्धांतिक विश्लेषण करने के स्थान पर साहित्य उससे जुड़े हुए अनुभवों को प्रकट करता है। कला उन अनुभवों को निष्क्रिय ढंग से व्यक्त करने के अलावा भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये विचारधारा के साथ रहकर भी उसे दूरी कायम रखती है। ये दूरी इतनी भी नहीं होती कि उस विचारधारा का बोध और अनुभव का हमें अवसर न मिले जिससे कृति का जन्म हुआ। ऐसा करते हुए कला उस सत्य के ज्ञान के लिए सक्षम नहीं बनाती जिसे विचारधारा छिपाने का काम करती है, क्योंकि अल्थुसर के लिए ज्ञान का अर्थ है वैज्ञानिक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसे मार्क्स की कृति कैपिटल हमें प्रदान करती है, न कि डिकेंस की कृति हार्ड टाइम्स। विज्ञान और कला दोनों के उद्देश्यों में भिन्नता होती है। तो ज्ञान का अर्थ जब वैज्ञानिक ज्ञान से है, तो विज्ञान और कला के बीच के अंतर को भी हमें स्पष्ट करना चाहिए, जान लेना चाहिए। विज्ञान किसी भी परिस्थिति का सैद्धांतिक विश्लेषण करती है, सिद्धांत की जानकारी देती है कि अंततः ये क्या है, और कला उस परिस्थिति का हमें अनुभव कराती है। जब हम उस परिस्थिति का अनुभव करते हैं, तब हमारे मन में ये जिज्ञासा भी साथ आती है कि हम इसके बारे में पूर्णतः जानें, ताकि हमको इसकी संपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त आ जाए। ये भी वैज्ञानिक जानकारी से कम महत्वपूर्ण नहीं है, और कला हमें इस तरह का काम करती है। कला भ्रम नहीं है, बल्कि कला विचारधारा के भ्रमों से हमें मुक्त करने का प्रयास भी करती है। और इस तरह अल्थुसर कला के पक्ष में खड़े होते हैं, और उसके जो विचारधारा की जो भूमिका है, कि विचारधारा भी कई बार कई तरह के भ्रम की सृष्टि करती है। यहाँ पर एक और विचारक है मेसरे, उसने साहित्य और विचारधारा के संबंधों के बारे में कुछ बातें कही। उनका कहना यह है कि विचारधारा का संबंध इससे नहीं होता किसी कृति में, कृति कोई बात कहना चाहती है, कुछ अभिव्यक्त करना चाहती है, उस अभिव्यक्ति से जो वो कहना चाहती है, जो कहा गया है, उससे उसकी विचारधारा का पता नहीं चलता, बल्कि विचारधारा का उससे पता चलता है जो नहीं कहा गया है, या जिसे कहना चाहिए चुप्पियां जब बोलने लगती है त,
तब लेखक की विचारधारा प्रकट होने लगती है। अब इन चुप्पियों को हम रचनाओं के उदाहरणों के माध्यम से अगर जानना चाहें तो जैसे मीरा की कविता है, मीरा कृष्ण भक्त थी, बहुत भावुक भाव विह्वल उन्होंने कविताएं लिखी, अपने दुख दर्द का वर्णन किया, लेकिन किसी भी जगह पर मीरा ने ये नहीं लिखा कि उनकी कृष्ण से भेंट हुई। कृष्ण के प्रति संपूर्ण आसक्ति के बावजूद इस बिंदु पर मीरा चुप है। इस चुप्पी का अपना एक अर्थ है। इसी तरह और रचनाओं की भी चुप्पियों का हम अर्थ कर सकते हैं। इस चुप्पियों के बारे में आलोचकों को सबसे पहले बताना चाहिए। मैसरे का कहना यह कि किसी भी रचना में विचारधारात्मक कारणों से कई चीजों के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। अपने ढंग से सत्य को व्यक्त करने के लिए लेखक उस विचारधारा की सीमाओं का उजागर करता है जिसके प्रभाव में रहकर वे लिखता है। वे उन दरारों और चुप्पियों को दिखाता है जो अभिव्यक्ति की समस्याओं के कारण पैदा होती है। इन्हीं दरारों और चुप्पियों के कारण कृति को कभी पूर्ण नहीं माना जा सकता। समग्रता की तलाश ऐसे में व्यर्थ हो जाती है। अर्थों में मौजूद द्वंद्व वे अंतर्विरोध ही सामने आ पाते हैं। किसी रचना का महत्व भी इन विभिन्न अर्थों की भिन्नता में होता है, न कि समानता में। गोल्डमैन जैसे आलोचक रचना में केंद्रीय संरचना ढूंढते हैं, जबकि मेसरे के लिए वे हमेशा विकेंद्रित होती है। रचना में कोई केंद्रीय सार तत्व नहीं होता, बल्कि अनेक अर्थों की गुंजाइश होती है। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि रचना अधूरी रहती है। अगर रचना मान लीजिए अधूरी है तो उसे पूरा कैसे करें? क्या आलोचक उसमें कुछ जोड़ घटा दे तब ये संपूर्ण हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी करना, कृति में दखल देना, ये सही नहीं है। मैसरे का मानना है कि ये जो अधूरापन है ये भी कृति की एक चुप्पी है और जिसका आगे चल कर के कोई न कोई अर्थ निकलता है। अनेक रचनाओं के अंदर आप देखते हैं कि जिन रचनाओं में अंत में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, और यह कई बार हमको ऐसा लगता है कि लेखक ने एक कहानी लिखी, वर्णन किया और करते करते उसको अचानक बंद करना पड़ा, और बंद करने के लिए उसने कुछ जोड़ घटाव करके और जल्दी जल्दी से बंद कर दिया। ये जल्दबाजी हमको दिखाई देती है, क्योंकि रचनाकार को लगता है कि इसकी ये तो पूरा ही नहीं हुआ और इसको अब पूरा करें कैसे, क्योंकि कृति कभी पूरी नहीं होती। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा लिखी तो उसमें उन्होंने लिखा कि बाण भट्ट की जो आत्मकथा है उसकी पांडुलिपि मुझे अधूरी मिली, और गंगा के किनारे सोन नदी के किनारे वहाँ पर गए और ऐसा ऐसा पूरी कथा गढ़ी, और कथा हम कहा कि हमें तो खंडित पांडुलिपि मिली, तो हमको पता ही नहीं कि अंत में बाण भट्ट और भट्टनी मिले कि नहीं मिले। लेकिन बाण भट्ट की आत्मकथा अधूरी नहीं है, वो अपने में संपूर्ण रचना है। और अब इसमें ये संभावना की तरह से वो छोड़ देता है लेखक कि भट्टनी और बाण भट्ट मिल भी सकते हैं और या नहीं भी मिल सकते हैं। ये जो उभय संभव स्थिति होती है रचनाकार जहाँ पर छोड़ता है वो अधिक प्रभावशाली रूप में हमारे सामने हो सकता है मिल गए, हो सकता है नहीं मिले, और यहीं से कृति अपनी आगे की बातें कहना भी जरूरी नहीं समझता। आगे की बातों में वो साहित्यिकता ना हो जिस साहित्यिकता की तलाश करता हुआ रचनाकार यहाँ तक पहुँचा हो, ऐसा बहुत सारी कृतियों में होता है। इस चुप्पी के कारण बहुत बार रचना के मूल्यांकन को लेकर के आलोचकों में मतभेद हो जाता है। कफन के मूल्यांकन को लेकर के अनेक लेखकों ने अपना विरोध दर्ज किया कि जो अर्थ आप लोगों ने किया है वो अर्थ सही नहीं है, इसका अर्थ दूसरा होना चाहिए। कामायनी के मूल्यांकन को लेकर के आलोचकों में गहरा मतभेद पाया जाता है। तो कृतियों में जो मतभेद है उस मतभेद के बीच उस रचना के भीतर ही पाए जाते हैं। तुलसीदास की रचनाओं के मूल्यांकन को लेकर के भी कुछ आलोचकों ने परस्पर विरोधी मत दिए हैं। तो ये इस कारण होता है कि रचनाकार वो दरार, वो जगह, वो चुप्पियां छोड़ देता है, वहाँ पर वो कुछ नहीं कहता। उनका जो कुछ नहीं कहना है उसकी व्याख्या करने पर, या जिसे विखंडनवादी रचना का खंडन करके बताते हैं कि ये आगे चल के इसको अगर आप रचना को तोड़ोगे तो अंदर से ये निकलेगा। तो ये जो चुप्पियां हैं, ये जो खालीपन है, ये जो अधूरापन है, ये रचनाकार की विचारधारा को समझने के लिए अधिक उपयोगी हमारे सामने आता है, और जिसकी तरफ मैसरे ने जिक्र किया। विचारधारा
और साहित्य या साहित्य और विचारधारा के संबंधों के विश्लेषण की दृष्टि से हिंदी में गजानन माधव मुक्तिबोध के विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध ने ये स्थापित किया कि विचारधारा कला रचना का, साहित्य रचना का बाह्य तत्व नहीं है, वरन वह रचना का भीतरी तत्व है। रचना प्रक्रिया के अंदर से हम उस विचार प्रक्रिया को समझ सकते हैं, और इसे मुक्तिबोध कहते हैं कि विचारधारा को अर्जित करना पड़ता है, ये अपने आप हमको नहीं मिल जाती, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, और वे इसलिए विश्व दृष्टि, विचारधारा और जीवन ज्ञान को एक ही मानते हैं। ये सब चीज़ें एक ही है। मुक्तिबोध ने इस विश्व दृष्टि की निर्मिति पर भी विचार किया। उनकी राय में प्रतिक्रियाएं तो मन करता ही है, माने कोई भी घटना हुई तो हमारा मन उस पर प्रतिक्रियाएं करेगा। वे प्रतिक्रियाएं सही है या गलत, इसके लिए कुछ सोचना विचारना भी पड़ता है, और ये सोचना विचारना निर्जन शून्य में नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ अध्ययन करना पड़ेगा, और दूसरों के अनुभव और विचारों को भी इस संबंध में जानना पड़ेगा। मतलब ये कि इस काम में जितनी दूर तक और जितनी गंभीरता से आगे बढ़ेंगे, आपकी प्रतिक्रियाओं और विचारों में उतनी ही व्यवस्था आती जाएगी। बस इसी व्यवस्था को लोग आगे चलकर सिद्धांत कहते हैं, और यही जो सिद्धांत है, ये कुछ लोगों के हिसाब से ये विचारधारा, मुक्तिबोध इसी को विश्व दृष्टि कहते हैं। ये दृष्टि अर्जित करने हेतु कुछ लेखक प्रयास करते हैं, कुछ लेखक ऐसा नहीं करते, इस ये आलस कर जाते हैं, कहा ठीक है बाकी लोगों ने किया है। तो मुक्तिबोध ने कहा कि जिस तरह से एक शरीर का आलस होता है, उसी तरह से एक बुद्धि का भी आलस होता है, तो नहीं सोचा। तो बहुत सारे लोग सोचते विचारते हैं, हम जैसा वो कहते हैं हम वैसा ही मान लेते हैं, हो सकता है कि वही ठीक हो, और इस तरह से कुछ लोग विचारधारा के लिए मेहनत करते हैं और कुछ लोग मेहनत नहीं करते, लेकिन विचारधारा सभी प्रकार की रचनाओं में होती है। रचनाकार सचेत रूप से अपनी विश्व दृष्टि का निर्माण करे चाहे नहीं करे, लेकिन उसकी रचनाओं में उसकी विचारधारा या उसकी जो विश्व दृष्टि है वो अभ्यक्त होती ही होती है, और उसको पहचानने की जरूरत है। यहाँ पर मुक्तिबोध ने एक जगह लिखा है कि यदि कवि कलाकार किसी शास्त्रीय पुस्तक के पास न भी पहुँचे, तब भी मनुष्य होने के नाते वह समस्याओं के प्रति संवेदनशील अवश्य होता है। ये सही है कि कोई लेखक कलाकार अधिक संवेदनशील हो तो कोई कम संवेदनशील होता है, अथवा किसी भी संवेदना का विस्तार संक्षिप्त तो किसी का व्यापक होता हो। फिर भी ये कहना कि वे मानव सभ्यता के प्रति संवेदनशील नहीं है, मुझे अत्युक्तिपूर्ण लगता है। इसलिए मुक्तिबोध इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एक कला सिद्धांत के पीछे एक विशेष जीवन दृष्टि होती है, उस जीवन दृष्टि के पीछे एक जीवन दर्शन होता है, और उस जीवन दर्शन के पीछे आजकल के ज़माने में एक राजनीतिक दृष्टि भी लगी रहती है। ये जो मुक्तिबोध की कला रचना संबंधी जो समझ है, उस समझ का सार तत्व यह है कि चिंतन मनन के द्वारा, व्यवस्थित चिंतन मनन का द्वारा, जीवन जगत के बारे में जो व्यवस्थित हमारा चिंतन होता है, उस चिंतन का नाम ही विचारधारा है, और इसको मुक्तिबोध ने एक अलग नाम से भी आपके सामने रखा, जिसे वो कहते हैं कि मूल्यांकनकारी शक्ति, एक आलोचनाशील मूल्यांकनकारी शक्ति, इसे वो विचारधारा कहते हैं। ये आलोचन का शील जो मूल्यांकनकारी शक्ति है, वो आपके अनुभवों का भी मूल्यांकन करती है, आप जो लिखते जा रहे हो उसको भी वो आलोचनात्मक दृष्टि से देखती है, उसमें भी सुधार करती है, परिष्कार करती है, और ये हर व्यक्ति में होती है, हर रचनाकार में होती है, हर कलाकार में होती है। इसलिए कला रचना के लिए ये आलोचनाशील मूल्यांकनकारी जो शक्ति है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो मूल्यांकनकारी शक्ति है, ये क्या काम करती है, मुक्तिबोध ने इसे भी अपने लेखन में स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा कि ये जो मूल्यांकनकारी शक्ति है, ये लेखक की जीवन दृष्टि, जीवन प्रसंग की उद्भावना से लेकर रचना के अंतिम संपादन तक सक्रिय रहती है। माने जब आप जीवन प्रसंग की उद्भावना करते हो, कोई किसी जिंदगी का वर्णन कर रहे होते हो, मान लीजिए किसान जीवन का वर्णन किया, या मजदूर का वर्णन किया, या मध्यवर्गीय जीवन का वर्णन किया,
तो वहाँ से आपकी मूल्यांकनकारी शक्ति सक्रिय हो जाती है कि हमको इसका वर्णन करना है कि नहीं करना, और करना है तो हमें इसे कितना महत्व देना, ये उसका काम रहता। इसका वर्गीय स्वरूप होता है कि नहीं होता, या ये एक तरह की अलग दृष्टि रहती है, तो इसका कुछ न कुछ सामाजिक आधार तो होना ही चाहिए। यहाँ पर मुक्तिबोध कहते हैं कि हमारी आत्मा में जो कुछ है वह सब इसी समाज का दिया हुआ है, हमारे मन के जो जितने भी विचार है वो हमें इस समाज से मिले, समाज की एक प्रवृत्ति समाज की दूसरी प्रवृत्ति के विरुद्ध जाती है, एक बात दूसरी बात के खिलाफ जाती है। तो ये जो आपस का जो संघर्ष है, जिसे वो कहते हैं कि व्यक्ति और समाज का जो अंतर्विरोध जिसे हम कहते हैं, वो दरअसल समाज के एक हिस्से का दूसरे हिस्से से अंतर्विरोध है। तो जब ये अंतर्विरोध होता है तब आप किस प्रवृत्ति के साथ अपने आप को तदाकार महसूस करते हैं, आप किसका पक्ष लेते हो, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मुक्तिबोध कहते हैं कि ये जो विचारधारा है, ये जो आलोचनकारी आलोचनाशील जो मूल्यांकनकारी शक्ति है, वो ये बताती है कि जीवन का कौन सा हिस्सा सही है और कौन सा हिस्सा सही नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि जीवन का प्रबुद्ध साक्षात्कार, जीवन हमें हमेशा हमारे सामने होता है, हमारे अनुभव हमेशा सामने रहते हैं, लेकिन हम उसको सचेत रूप से जीते हैं या नहीं जीते, इसी को मुक्तिबोध ने कहा कि जीवन का प्रबुद्ध साक्षात्कार। जीवन का प्रबुद्ध साक्षात्कार एक समझदार व्यक्ति कर सकता है, करेगा, एक संवेदनशील व्यक्ति करेगा, एक भोला भाला व्यक्ति उसी घटना को उस रूप में नहीं देखेगा जिस तरह से एक विचारवान व्यक्ति उन चीज़ों को देखेगा। तो विचारवान व्यक्ति जब चीज़ों को देखता है तो उसका जो जीवन का जो साक्षात्कार है वो प्रबुद्ध साक्षात्कार है। जीवन का जो प्रबुद्ध साक्षात्कार है उसके बिना आपकी रचना कमजोर हो जाएगी, क्योंकि उसकी नींव जीवन के प्रबुद्ध साक्षात्कार से जुड़ी हुई है, जिसको मुक्तिबोध ने कला का पहला क्षण कहा था। आप जिस जीवन का अनुभव करते हैं उस जीवन के अनुभव के महत्व की भावना भी आपके मन में आनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है कितना महत्वपूर्ण नहीं है। होरी और धनिया का रिश्ता, इस रिश्ते में क्या महत्वपूर्ण है, क्यों ऐसा होता है कि इनके बीच में मन मुटाव और झगड़ा होते हुए भी इनके भीतर एक दूसरे के प्रति एक गहरा लगाव है। ये महत्व की भावना जब तक रचनाकार के मन में नहीं आती, जब तक उसको नहीं दिखाता, तब तक कृति कमजोर रह जाती है। और ये जो महत्व की भावना है ये इस विचारधारा से आती है। इसलिए मुक्तिबोध कहते हैं कि जो तत्व के लिए जो संघर्ष होता है वो विश्व दृष्टि के विकास के लिए भी संघर्ष होता है, और जो रचनाकार इसके अंदर लगता है कि वो सिर्फ कला के लिए शब्दों की तलाश नहीं करता वरन उन विचारों की भी तलाश करता है, और वो विचार बदलते रहते हैं, वो विचार परिवर्तित होते रहते हैं, विचार एक दूसरे से टकराते रहते हैं, तो उसमें आपको अपना रिश्ता बनाना होता है, और ये रिश्ता आप लेखक के रूप में भी बनाते हैं और व्यक्ति के रूप में भी बनाते हैं। इसलिए मुक्तिबोध ने कला रचना में इस विचारधारा के महत्व को एक आलोचनाशील मूल्यांकनकारी शक्ति के रूप में दिखाया, और यही आलोचनाशील मूल्यांकनकारी शक्ति रचना का अंतिम संपादन तक करती है। जब तक आपके सामने रचना आती है तब तक वो देखता है कि ये ठीक आया या नहीं आया, ये मैंने जिस भाव की अभिव्यक्ति की, पात्र ने जिस भाव की अभिव्यक्ति की, वो भाव मात्रा से अधिक है या मात्रा से कम है, वस्तु का वस्तु मूलक आकलन किया और वस्तु मूलक प्रतिक्रिया की या आत्मिक प्रतिक्रिया के कर दी, ये सब चीज़ें भी वो स्वयं देखता रहता है। और इसीलिए हर रचनाकार अपनी रचना की कमियों को स्वयं देखता रहता है, और इसलिए एक कृति से संतुष्ट नहीं होता, एक कृति के बाद वो दूसरी कृति की रचना करता है। और कई बार हमने देखा है कि एक ही विषय पर एक रचनाकार ने लिखा और थोड़े दिनों बाद में वो स्वयं उस थीम पर एक दूसरी रचना लिख देता है, क्योंकि उसको लगता है कि उससे ये गलती होगी। प्रेमाश्रम प्रेमचंद ने लिखा और ज्ञान शंकर को बहुत शक्तिशाली बताया, और बाद में जब असहयोग आंदोलन 1920-21 में प्रेमाश्रम खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद प्रेमचंद को लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया और ज्ञान शंकर को इस तरह से दिखाना सही नहीं, तो उन्होंने इस गलती को सुधारा और संग्राम नाटक लिखा।
अब ये जो संग्राम नाटक लिखने का भाव प्रेमचंद के मन में आया, ये उस आलोचनाशील जो मूल्यांकनकारी शक्ति है जिसे मुक्तिबोध कहते हैं, उसके कारण आया। बहुत सारे रचनाकार इस तरह का काम करते हैं कि अंतिम रचना लिखने के भी 20 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद वो पढ़ करके देखता है कि ये मेरा भाव ठीक से अभ्यक्त नहीं हुआ, तब वो उसी भाव की दूसरी रचनाएं भी वो करता रहता है। तो ये जो आलोचनाशील मूल्यांकनकारी शक्ति का काम जो विचारधारा करती है, वो विचारधारा रचना के भीतर वाली, अब इसको आप पूरे समाज की या वर्ग की और उसकी विचारधारा है कि नहीं है, मुक्तिबोध कहते हैं कि आप वहाँ से कहीं से भी आप लेके आओ, वो आपके अंदर की आपके भीतर की चीज़ होनी चाहिए और अपने भीतर से उसका विश्लेषण मूल्यांकन करके और तब वो अपनी रचना की समझ विकसित करता है और तब वो रचना रूप में उसे अंत में देता है। आगे चल करके विचारधारा की इस धारणा को लेकर के यूरोप में विशेष रूप से डेनियल बेल जैसे समाजशास्त्री बाद में आए और जिन्होंने विचारधारा के अंत की घोषणा की और कहा कि विचारधारा का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक आए, उन्होंने भी विचारधारा के खिलाफ ही बातें कही। तो ये कि अनिवार्य नहीं है, ये एक विचार प्रणाली है और विचार प्रणाली को या विचारधारा का समर्थन करने वाले वो लेखक वो चिंतक हैं जो ये मानते हैं कि पाठ का जनक लेखक है, एक व्यक्ति है जो रचना करता है। और यहाँ पर कुछ पश्चिम के दूसरे विचारक हैं, वो मानते हैं कि लेखक रचना नहीं करता, लेखक तो उपलब्ध संरचनाओं के बीच में एकाध की संगति बिठा देता है, इसलिए लेखक महत्वपूर्ण नहीं है। जब लेखक महत्वपूर्ण नहीं है तो लेखक की विचारधारा भी महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरह से विचारधारा और साहित्य और सारी जो कला संरचना है उसके बीच में एक लंबी बहस चल रही है और जो मेरा ख्याल है कि आगे भी चलेगी और आपको उस सब के ऊपर अपनी नज़र रखनी चाहिए।